अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग यार, हम रात को ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे एंड पोक भी था, गाड़ी नहीं आ सकती थी, तो हम सुबह पहुँचे। कल रात 5 बजे निकल के सुबह 7 बजे हम पहुँचे यहाँ जंग, यही हमारा स्टे था, रात हम यहाँ गुजारी। एंड अब आई थिंक 11 बज चुके हैं दिन के, अभी हम उठे और नाश्ता जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। और ये देखो, ये देखो, लोग बस मेरा ही वेट कर रहे थे। और ये बैठे भाई, देसी रोटी है, देसी साग है और सारा माहौल माहौल बना हुआ है, माहौल बना है, माहौल एंजॉय कर रहे हैं। शरीफ, सफर बखैरियत रहा है? मेरा तो ठीक रहा है, आप लोगों को यार तकलीफ दी है उसके लिए माजरत है। नहीं, ये तो होता है इमरान, इससे पार्ट ऑफ जर्नी। यार जावेद, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज अब से खत्म हो रही है यार, छोड़ो वीडियो की जान, छोड़ो। ये देखो बस, बिल्कुल देसी साग और सारा एक इंटरनेशनल डिश है ये। हाँ, पंजाब की बहुत मजे की है। मुझसे भी वेट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। आफ्टर नाश्ता आप लोगों को विजिट कराएंगे, ये जो विलेज है आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए विलेज का विजिट कराएंगे एंड देखेंगे कि क्या क्या यहाँ कैपी कैसे या और जो है ना प्रोविंस से क्या क्या डिफरेंस है यार, सो आप लोगों को बताएंगे। ये हमारी फर्स्ट डे है आज, बस नाश्ता कर लिया, नमाज पढ़ ली एंड अब निकली हुई वैसी लोकल्स गांव का अपना ही मज़ा होता है खेत में जाके। तो अच्छा, हाँ सरसों की अब तेल का तो सुना होगा, सरसों तेल खाने के लिए भी यूज़ होता है, हेयर के लिए भी होता है, जो है ना वो कैसे निकालते हैं। तो शरीफ, ये कैसे होता है ये सारा प्रोसीजर बताओ। तो ये जिस तरह आटे वाली मशीन नहीं होती, हाँ जिस तरह आटा पिसवाने जाते हैं उसी तरह उस बीज की भी एक मशीन है, यहाँ से थोड़ी दूर है हवेली से राज्य में जहाँ से हम रात को टर्न हुए थे। अच्छा, वहाँ ले जाते हैं वो उस बीज को, वो पीसते हैं, फिर उस बीज के पीसने से दो चीजें बनती है, एक तेल निकलता और दूसरी ये जो खाल नहीं है, ये जो जानवरों को डालते हैं खाल, और ये वो ये बनती है, ये दो चीजें बनती है। हाँ, खाल भी उससे निकलती है, खाल भी उससे बनती है। अच्छा, कल इसलिए इतने महंगे होते हैं बेसिकली। जावेद, अब सरसों के जो है ना वो ख्याल अपने दिमाग से निकालो, अभी सारा फोकस गन्ने पे करो। अब गन्ने के बाग बोले या खेत बोले, हम गन्ने के खेत में आए और यहाँ से ऊपर वाला काट कर जो है ना वो नीचे वाला, ये देखो ये देखो वाला दूसरे शरीफ, अभी ये गन्ने का मुझे पता नहीं, गन्ने में तो बीज वगैरह नहीं होते जब ये लोग मतलब वो करते हैं, यानी कि ये दे जिहान गन्ना सबर सबर गन्ने के लिए, ये गन्ने के लिए ये तो यार ना क्या है यार, गन्ने के लिए सबसे पहले फसल को तैयार करते हैं यानी कि हाल चलाते हैं, हाल चलाने के बाद इसमें ये खेलियां बनाते हैं, ये जो खेलियां नहीं बनी, जब ये खेलियां मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाती हैं तो उस वक्त हमारे पास ये गन्ने का ना ये होता है, यानी कि यही डालते हैं जमीन में, ये जुन हाँ ये चीज है ना, ये इसको हम बड कहते हैं, बडिंग नहीं सुनी, बडिंग ये बडिंग से, यानी जो होता है ये जो गन्ना है ना ये बडिंग से पैदा होता है, या इसको फिर इस तरह जमीन में डाल के, जमीन में डालने के बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल के और फिर पानी लगा देते हैं। अच्छा, पानी लगाते रहते हैं, फिर ये बाढ़ जो है ये बड़ा होता है और इससे पूरा गन्ना निकल आता है। इतना नहीं, तो एक से कितना निकलते हैं? मतलब एक से बहुत ज्यादा निकलते हैं, जितने बाढ़ डूंगे उतना ज्यादा निकले, बहुत। ये हमने तकरीबन ये हमारा यानी कि 4 कनार रकबा है ये जो गन्ना है, इसके लिए हमने जो बीज लिया था ना, यानी कि ये बडिंग वाला बीज, वो हमने 3 मरले बीज लिया था। देखो 4 कनाल में डाल और 4 कनाल मुकम्मल हो गया है, और इतना अरूज पे ये फसल है, इतनी गहरी है कि आप इसके अंदर से नहीं गुजर सकते, यानी कि वो पंजाबी में कहते कि अंदर सांप भी नहीं लाग सकता। हाँ, तो ये सारा सीन है भैया, ये खेत है, बिल्कुल चूस नहीं सकता, उसकी वजह ये इतना हार्ड है ना। इधर इधर करो के नहीं, मैं आपको सॉफ्ट वाला दूंगा यार, जहाँ छा गया है बस इसके ऊपर मजे का यार, ये बहुत घना है यार, चूसना तो देखना बहुत घना है यार, गने का नाम इसलिए घना रखा है यार, इसके खेत बहुत घना होता है, देखो ना कहीं गने का नाम घना रखा है, इसलिए जो है ना बहुत यार। ये अपनी तरफ से इमरान जी, ये इमरान की थ्योरी है, हमारी नहीं है, जी बहुत मजबूत चीज है, ये इसको खाना बहुत मुश्किल काम है, दांतों में दर्द शुरू हो गया। ये तो होगा भाई, ये देखो मैंने
पत्नी में हैंडपंप का नाम भूल गया था ना अभी यार, वो ये देखे इतना वो बैठ किया ना मेरे, वो मूवीज में देखा था बैठ के बस नहाते हैं बड़े मजे से बैठ के ना। ये देखिए इस तरफ एक हाथ से पुराने जमाने में हम आ गए यार। अजी शरीफ, ये बाल कटवाने का क्या सीन होता है या हम तो वहाँ पैसे देते हैं ना, पैसे से डायरेक्ट नगद नहीं देते? हमारा ये होता है ना कि हम सारे घर के इकट्ठे बाल कटवाते रहते हैं पूरे। अच्छा, एक साल बाद पूरे साल बाद दाने दे देते हैं जितने वाले, इसलिए ना गंदम हमारे यहाँ ज्यादा होते, वरना कौन गंदम देते हैं। अरे भाई आप आगे भी कहाँ निकल रहे हैं हम? सर जी चुंड बरवाना जा रहे हैं। किस लिए? मछली खाने। उमर भाई खा रहे हैं, उसमें के साथ चलते हैं हम। अच्छा उमर भाई, ये है शरीफ का बड़ा भाई, ये देखिए बशीर जी ना, वो अली लपर किसान जो है ना वो याद किए, वो अब हमें सुनाएगा। बशीर शाबाश, बशीर पश्तो में सुनाओ यार, पश्तो में सुनाओ ना। सुनाओ सुनाओ सफर का मस्तो बहुत आखिरी होने वाले हैं जी, अब देखना क्या होने जा रहे हैं। हालात गंभीर होने वाला है, गंभीर होने वाला है मामला। ज्यादा से ज्यादा 3 किलो ही खा जा सकते, 4 किलो नहीं नहीं 4 किलो खा जानी है, 4 किलो सही है। अगर हम दोस्त आते हैं तो हमने फी बंदा 3 किलो ले, चलो ठीक है 4 ही कर ले। और भाई ये किस लिए? ये आप लोगों के लिए। बस ये बहुत बड़ा है माशाल्लाह, काफी है, इंशाल्लाह हम खा लेंगे। बस सही है। इमरान खान ने पढ़ लगे भाई, क्यों नहीं खाना? आवाज नहीं चाहिए।
वापस निकल रहे घर की तरफ। आज का जो था बस यही तक था, एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल। और कल हमने बहुत अच्छी अच्छी जगह जाना है, बहुत इंजॉय करना है, आप लोगों ने आना है हमारे साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।